तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनपुट नंबर वन से आउटपुट नंबर वन ऑन कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से आउटपुट वन ले देता हूँ। आप कोई भी इनपुट आउटपुट ले सकते हैं, बट याद करने के लिए थोड़ा सा आपको पता रहेगा कि सेक्शन वन में वन वन मैंने इनपुट आउटपुट ले लिया। सेक्शन टू में चले जाइए, यहाँ पर भी मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक इनपुट आउटपुट ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से इनपुट टू ले लिया और आउटपुट नंबर टू। जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको, अभी एक सिंपल प्रोग्राम बता रहा हूँ, बट आप कितना भी बड़ा प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन थ्री पे चले जाइए एंड यहाँ पर मैं आ गया, और सेक्शन थ्री में आने के बाद यहाँ पर इनपुट नंबर थ्री एंड आउटपुट नंबर आप यहाँ से थ्री ले लीजिए। तो इस तरीके से सेक्शन तीन में क्या किया मैंने, इनपुट थ्री से आउटपुट थ्री ऑन कराया। सेक्शन टू में क्या किया, इनपुट टू से मैंने आउटपुट टू ऑन कराया। सेक्शन वन में क्या किया, इनपुट वन से आउटपुट वन ऑन कराया। अब मेन रूटीन में आ जाइए, और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, और प्रोग्राम क्या बनाया, यहाँ से इनपुट जीरो से और आउटपुट जीरो ऑन कराना, राइट ओके। इतना करने के बाद आप इस प्रोग्राम को ट्रांसफर कर दीजिए, यानी डाउनलोड कर दीजिए, और डाउनलोड करने के बाद फिर एक बार चेक करेंगे कि किस तरीके से ये फंक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो आपको बताऊंगा मैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मेन रूटीन के अंदर जो भी प्रोग्राम आप लिखेंगे वो हमेशा चलता रहेगा, उसको किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रोसेसर हमेशा एग्जीक्यूट करेगा ओके। तो अब यहां से देखिए, मैं इनपुट नंबर जीरो को प्रेस करता हूं, उसके बाद मुझे यहां से फोर्सेस ऑन करने पड़ेंगे, इनेबल ऑल द फोर्सेस। देखिए आउटपुट मेरा क्या हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। आप चाहे तो इमुलेटर के अंदर, जो कि मैं इमुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप प्रॉपर्टी पे चले जाएंगे और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जो आउटपुट जीरो ऑन हो रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, और अगर मैं इसको ऑफ करूंगा तो आपको यहाँ पर भी ऑफ होता हुआ दिखेगा, ऑन करेंगे तो ऑन होता हुआ दिखेगा, राइट। अब मैं सेक्शन वन में जा रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि मेन रूटीन के अंदर प्रोग्राम मेरा चल रहा है। सेक्शन वन में जा रहा हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ से इसको प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट वन हाई नहीं हो रहा है। क्यों हाई नहीं हो रहा है, क्योंकि मेन रूटीन के अंदर का जो प्रोग्राम है वही चलेगा, सेक्शन वन के अंदर का प्रोग्राम, सेक्शन टू, सेक्शन थ्री के अंदर का कोई भी प्रोग्राम चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इनको कॉल कराना पड़ता है। क्या कराना, जाके एक बार यहां से चेक कर लीजिए, जैसे ये सेक्शन वन है, आप अगर ऑन ऑफ कराएंगे कुछ नहीं होगा, यानी आपका आउटपुट ऑन ऑफ नहीं होगा। सेक्शन टू में चले जाइए, इसको आप यहां से ऑन ऑफ कराएंगे, कोई भी आउटपुट हमारा नहीं आएगा। सेक्शन थ्री में चले जाइए, सेक्शन थ्री में आप ऑन ऑफ कराएंगे, आउटपुट नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया कि सेक्शन थ्री के अंदर, टू के अंदर और वन के अंदर जो भी प्रोग्राम है, बिकॉज ये तीनों के तीनों सब रूटीन है, ये बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, क्योंकि इनको मैंने मेन रूटीन से कॉल नहीं कराया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल कराना पड़ेगा। तो कॉल कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक और आप यहां से इनपुट ले लीजिए, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया इनपुट फॉर कॉल, राइट। और ये मैंने एड्रेस ले लिया फोर नंबर सपोज, तो LIS पे चला गया, यानी ये वाला जो इनपुट मैं यूज करने जा रहा हूँ वो कॉल कराने के लिए करूंगा, यानी सारी सब रूटीन को कॉल कराऊंगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनपुट ले लीजिए और इसको एड्रेस क्या देंगे, जो मैंने अभी टैग बनाया है, इनपुट फॉर कॉल राइट एंड 04। अब सब रूटीन आपको कहाँ से मिलेंगे, सब रूटीन मैं आपको बता दूं आपको किस तरीके से लेना है, जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, अब आपको सब रूटीन कैसे लेना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको यहाँ से प्रोग्राम कंट्रोल में जाना है, यहाँ से आपको कहाँ जाना है, प्रोग्राम कंट्रोल में, और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन होता है JSR, जम्प टू सब रूटीन, राइट। JSR means jump to subroutine। आपको क्या करना है, subroutine पे जाना है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करके आप अपना subroutine नंबर ले लीजिए, और subroutine नंबर जब आप लेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि आप उनको कॉल करा सकते हैं। जैसे ये मैंने सेक्शन वन ले लिया, और मुझे क्या करना है, और भी subroutines चाहिए, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है इनपुट पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर आप यहाँ से दे सकते हैं, कहाँ से जाना है, जैसे मैंने वन दे दिया ओके। देन आगे रिटर्न पैरामीटर भी आप दे सकते हैं, आपको जिस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है आप रिटर्न पैरामीटर भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको सबरूटीन कॉल कराना है, तो मैं एक बार फिर बताऊंगा,
आप यहां से क्या करेंगे, JSR लेंगे यहां से, जंप टू सब रूटीन। ओके, क्योंकि आपको तीन सब रूटीन्स को कॉल कराना है, तो आप यहां से तीन सब रूटीन आप यहां से ले लीजिए JSR। इसी तरीके से आपको और भी चाहिए, तो मैंने एक और JSR ले लिया। तो रूटीन नेम आप यहां से, क्योंकि आप जैसे ही इनपुट नंबर 4 प्रेस करते हैं तो आपका सब रूटीन नंबर 1 कॉल हो जाए, आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां चले जाइए, आपको कौन सी रूटीन चाहिए, सेक्शन 2 चाहिए, यहां पर चले जाइए।